तीन दिन तक भूखा प्यासा महिला को रखा गया कमरे में बंद। महिला ने गवाया अपना 9 महीने का बच्चा। जी हाँ, पेट में ही मर जाता है इस महिला का बच्चा। क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं के मुंह से जानते हैं। उन्हें रोटी भी बाहर भी नहीं काटी, मैं चिल्लाई चिल्ला कहना किसी ने नहीं काटी बाहर। फिर मैंने नूनी पता रहे सो, मैं भी होश हो गया अंदर घर में। और उसके बाद मैंने नूनी पता रहे कौन कार्ड कर ले आया कौन नहीं ले आया। मैंने वहां से किस किस ने मारा, कौन है वो? सारों ने मारा, ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने सब ने मारा। किस बात पे मारपीट की? उसके पीछे लग रहे थे, मेरे जाकेट के पीछे लग रहे सब। उन्होंने सोचा कि इसका जाकेट जीना चाहिए, दुनियादारी में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरे मारपीट करी। तो मारपीट के कारण बच्चे की मौत हुई? हाँ, उसके कारण ही हुई जी। तो क्या आप मांग करते हो? दहेज भी मांगते हैं मैं जी। दहेज के ऊपर दहेज लेकर आवेगी नहीं जी, कही रखेंगे अपने माँ बाप को लेकर आई है मारे पैरों में घेरो जी। मोटरसाइकिल की भी मांग की? हाँ जी करिए। तो मारपीट करने के बाद फिर आपने क्या किया? पुलिस को इसकी जानकारी दी? हाँ। पुलिस में गए थे आप जी? गए थे जी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कहा? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? लखवा दी जी। अच्छा, कार्रवाई तो नहीं की हुई अभी तक कोई भी? इसके गेलो मारपीट करी, तीन दिन घर में रखी। फिर इन्हें सोदी नहीं रही या भाई बुक्की भी घर में रुके दिए, भाई मन बाहर काटो खाना दो। इस वजह से ना कुछ नहीं मिला, बच्चा भी मर गया या बेहोश रही। फिर यह अपना किसी ने बाहर काट दी, भाई उसमें मेट्रो में बैठाई, मेट्रो वाला फिर यहाँ पक्के पुल पर छोड़ गया। गांव की थी गाड़ी, फिर उसमें बैठा दी उन्हें। फिर वहाँ जाकर फिर थोड़ी देर बैठी, 8 बजे सी गई गांव में। और तो फिर ये गेलो घर तो ही रहे थे इसके बच्चे की वजह था। फिर हम न गेलो ही वहाँ आए गांव में आए, फिर अस्पताल में लेकर आए अपने। तो अब क्या आप चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहवा भाई, जो कर्मी हमने संबंध देनी मारपीट करा और रिश्ते न संबंध देनी। हमने नहीं संबंध, पति है इनका? पति भी है, दो जेठ जेठानी है, सासू ससुर है, सभी मारते पीटते हैं। हाँ सारे। इसकी गेलो तो इतना बुरा सलूक करया, जो इसमें पेड़ियों पर खाया चला, बाल पाड़ दिया, छाती पर गोड्डे धर का बहुत रूंडा यू गला सजा दिया, मारपीट कर। और यू इस तरह जानवरों था भी बेहतर है, बुरा सलूक करा इसके साथ। आप क्या इसकी माँ? माँ जी। तो क्या पहले भी दहेज की मांग करते थे वो लोग? सूते करते थे। कितने साल हो गए थे शादी को? भाई 5 साल होगा, छठी लग रही है। तो 5-6 सालों से इतना परेशान किया? बस एक महीना रखे ही बढ़िया डाला, शादी हुई पीछा। बेटी भी है इनकी? हाँ, 3 साल की बेटी है। तो वो भी उनके पास ही है? वो छह फीट कर ले। पहले आपने कहीं पे कंप्लेंट की नहीं थी जी? हमने पटका दुआड़ी पे भी करी थी, हमने यहाँ मधुबन छेरू ना धमका दिए। फिर वे भाई थोड़े बहुत दिन डरे, फिर में वैसे के वैसे ही हो गए। ये तो भाई मारपीट करके गंडासा लेके इसके पीछे लग रहे थे भाई, या जिंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो उनको जब पता चला कि बच्चा नहीं रहा है, तो वो एक बार इधर आई नहीं करना इनको पूछने के लिए? कैसी धमकी दे रहे हैं? मुझे इतना जाकर तो मर गया, तो भी मरेगी। मुझे धमकी कितनी कार्रवाई कर ले भाई, तो भी बच तो मरेगी, तो न मारेंगे तो चली तो गई वहाँ मारे, अब तो बच गया। और आपकी 3 साल की बेटी भी है? मेरी बेटी यार, मैं दिन देने का दिन देते हुए किसी कीमत पर भी। अच्छा, बच्चा भी रख लिया अपना? हाँ, मेरा बच्चा भी रख लिया, वो भी रख लिया। तो उसको भी उसको प्यार से रखते हैं कि उसको? प्यार से नहीं रखते, बीमार हो रही वाह, बीमार हो रही है, ले कहना देते नहीं मैं कति भी। जी भी जाओ जी, बीमार पीट करा जी भी जाओ जी, मार पीट करा सारे कति बड्डे थे मेरे गेलो। कौन कौन है आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में नहीं, 2 जेठानी है, 2 जेठ है, सासू ससुरे हैं। तो आपका साथ किसी ने नहीं दिया? सबने मारपीट करी? वो भी उन्हीं की सुना है, उन्हीं के सुने है, वो भी नहीं सुनता। कितने दिन आपको बंद करके रखा? 3 दिन लो जी। 3 दिन तक? हाँ। और किसने आपको अपने वापस घर पे छोड़ा? मुझे नहीं, नहीं पता रहा, सो दी नहीं रही, मैंने कोई पता नहीं था। आप अपने घर कैसे पहुंचे? घर मैंने सो दी नहीं थी, कोई मेट्रो थी उसमें भाई कोई बेर लेके बैठा छोड़ गया। मैंने कौन ले आया, कौन मैंने किन्ने में मत कर दी, कौन छोड़ के गया आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मैंने सोच दी नहीं थी, मैं इस टाइम मैं भी होश हो रही थी, क्यों 3 दिन हो गए जी, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया जी, फिर भी होश तो नहीं थी मैं इस मार है।
बार जो है किया गया है, तो क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। वे अपने उस पर सही उस पर आ जा भाई, दूसरा ना समझा बंदे ना, कितना दुख हुआ। क्या लगता है आप दोबारा मौका देंगी इस तरह की जो उन्होंने व्यवहार किया, दोबारा मौका देना चाहेंगे उनको? हाँ मौका तो देवेंगे भाई, जो दंग पर लान पाएंगे दोबारा से अगर ऐसा किया तो फिर भी अपना छुटन जोगे नहीं चाहिए, छुटने नहीं चाहिए वे, जो कर जो बोर्ड का कर दिया ना भाई, छुटने नहीं चाहिए वे। जी मैम क्या कहेंगी इस मामले को लेकर, काफी संगीन मामला आएगी वैसे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप ही की तरह कोई सोशल एक्टिविस्ट इनको हमारे पास लेकर आया था, और जब हमने इनकी स्टोरी सुनी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मतलब एक 9 महीने की गर्भवती महिला को इस तरीके से पीटना और फिर उसको कमरे में बंद कर देना और 3 दिन के बाद ही उसके बच्चे की मृत्यु हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और मतलब मैं चाहती नहीं थी कि मैं मीडिया के सामने लेकर आऊं, लेकिन इसलिए लाना जरूरी था कि उन लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि भाई इस तरीके के अपराध करने पर सजा भी मिलती है। और आज हमने इनकी कंप्लेंट एसपी साहब को दिलवाई है और उम्मीद करती हूं कि एक अच्छा रिजल्ट वो लोग निकाल के देंगे, क्योंकि देखिए बात छोटी होती है लेकिन वो कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। अभी बच्चा मरा है, हो सकता है माँ अगर उस घर में वापिस जाती है, क्या पता माँ भी मर जाए। और देखो मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जी। और उसी मेंटली प्रेशर को कम करने के लिए आज मैंने आप लोगों का सहारा लिया और मैंने इसको मीडिया के सामने लेके आई, और उम्मीद सिर्फ एक यही है कि समाज में एक सोशल मैसेज जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्थिति बहुत गंभीर है, डॉक्टर्स ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बच्चा ऑलरेडी डेड था डिलीवरी होने से पहले ही। तो मारपीट के कारण बच्चे की डेथ हुई है? नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, 3 दिन पहले मारपीट हुई है, लड़की सेम डे आई है। माँ बाप नॉर्मली जिस बच्चे का जन्म होना है उसका बाप मौके पर मौजूद होना चाहिए, और वो मौजूद नहीं है, और सेम डे लड़की का अपने ससुराल से आना और मतलब कुछ घंटों के बाद ही बच्चे का मर जाना, इस बात को साबित करता है कि मारपीट है, अदरवाइज लड़की को क्या जरूरत थी। देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली महिला है कि जिसने बच्चे को जन्म दिया और वो मर गया, ये कोई पहली महिला नहीं है, लेकिन माँ बाप मतलब सास ससुर ने, जेठ जेठानी ने, पति ने ये कैसे कह दिया कि तुम लोग इसका संस्कार कर दो, हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। इन लोगों के पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत सोचने का मतलब है कि भाई तुमने ऐसा क्यों कह दिया किसी अनजान व्यक्ति को भी। मुझे भी पता चलता कि भाई एक महिला का बच्चा मर गया और उसके संस्कार में जाना, तो शायद मैं भी जाती, आप भी जाते। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर, और हम कार्रवाई करवाएंगे। वो तो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नहीं सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो, एक्चुअली हर एक माँ बाप ये सोचता है कि सर मेरे बेटी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम मैसेज तो मेरी तरफ से जरूर मिलना चाहिए। दहेज का मामला भी बताया जा रहा है सर, वो लड़ाई दहेज को लेकर हुई थी। एक्चुअली लड़की का ये कहना है कि उसके फादर ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है किश्तों पर, तो ससुराल पक्ष का ये कहना है कि अपने बाप ने और उन्हें कह दे कि एक मोटरसाइकिल मेरी खातर भी ले देगा, उसी को लेकर ये बहस थोड़ी सी बढ़ गई बढ़ते बढ़ते। तो आपको नहीं लगता है जहाँ हम महिला एम्पावरमेंट की बातें करते हैं वहीं आज भी दहेज की आग में महिलाओं को जलाया जा रहा है? नहीं, नो डाउट, आज भी एक्चुअली क्या होता है कि क्राइम हमेशा गिल्टी माइंड से होता है, और वो गिल्टी माइंड किसी का भी हो सकता है। ये नहीं है कि सब लोग दहेज मांगते हैं, लेकिन जो लोग मांगते हैं वो अक्सर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज एक बच्चे की मृत्यु हुई है, कल हो सकता है इसकी भी मृत्यु हो जाएगा, हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, और मैं तो ये चाहती हूँ कि इस लड़के को और इसकी फैमिली को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम लोग इस बात के लिए कोशिश भी करते हैं। 3 साल की बेटी भी उन्हीं के पास है, 3 साल की बेटी है, वो भी बेटी को भी वापस लाने के लिए हम लोग पूरा इसमें कार्रवाई करवाएंगे। और सोशली एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब तक बेटियां कमजोर हैं तब तक इस तरीके की घटनाएं हर दिन बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, वॉइस ऑफ द शील्ड पर ये लाइव तस्वीरें मेरे अनुसरण के माध्यम से आपने देखी, जिस तरीके से दर्द से कराहती हुई आज वो माँ जो कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से आज घिरी हुई है, काफी कुछ सहने को वो तैयार है, और ये चाहती है कि जो 3 साल की उनकी बच्ची उनके ससुराल में है वो ससुराल वाले कहीं ना कहीं उसे वापिस दे दे, क्योंकि काफी ज्यादा दर्द हो रहा है उन्हें इस वक्त, उनसे सहन नहीं हो रहा है कि एक बच्चा पहले ही ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो दूसरा बच्चा जो जीवित है उसे कहीं ना मार दे ससुराल वाले, क्योंकि काफी खतरनाक है, क्योंकि 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को जो पीट सकता है वो काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, और ऐसा ही इस महिला के साथ यहाँ पर हुआ। तो उनके सहयोग के लिए इनको इंसाफ मिल सके इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्प पे मेरे अनुसरण के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।